बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत बेटियों के जन्म के अवसर पर कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग जिला प्रवेशन कार्यालय द्वारा जिला महिला चिकित्सालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला प्रवेशन अधिकारी नीता हिरवार, CMS डॉक्टर अलका शर्मा एवं प्रभारी डॉक्टर आर.एन. गिरी उपस्थित रहे, जिसमें बेटियों के जन्म पर उनके माता पिता को बेटी के जन्म पर उपहार स्वरूप वस्त्र, बेबी हिमालय किट, पौधे, जागरूकता कैलेंडर उपलब्ध कराए गए। साथ ही आज वहां पर नवजात 21 बच्चियों को लाभान्वित कराया गया। इसके साथ ही सभी बच्चियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एवं जननी सुरक्षा योजना के विषय में जानकारी दी। बेटियों के जन्म पर उनको आशीर्वाद एवं माता पिता को बधाई दी गई। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो ये मेरी गोद में मेरी बेटी है, मेरा सब कुछ है, इसने जन्म लिया, ऐसा लग रहा है सब कुछ मिल गया। ऊपर से यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे इसको इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, हमको भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और इसको जो उपहार दिए हैं यहाँ पे, उससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर से यहाँ पे स्पीच से, यहाँ पे लोगों की मदद से हमें यहाँ पे अभी अच्छा लग रहा है। और इस बेटी को बार बार देखने का मन कर रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि मेरी आप सबसे विनती है, बेटी को बचाओ, उसको मारो मत। बेटी है तो सब कुछ है। यहाँ पे डॉक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, प्रेस में भी काफ़ी लोग हैं, हर जगह आपको बेटी मिल रही है। और अगर बेटे, अगर इंसान अगर बेटे को देख के कहता है यार ये तो बेटा है, चलो बेटा अपना हो गया, वंश आगे बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में बेटे भी इतना गलत कर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ और बेटियाँ संभाल रही हैं। मेरी आप सबसे विनती है कि आप बेटियों को बचाओ, क्योंकि इनके अब तो मेरे हिसाब से वंश ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बेटियां माँ बाप को अपने पास रख रही हैं, बेटे तो भगा देते हैं कुछ आश्रम में रखते। मुहर्रम पर इमाम हुसैन की याद में बांटा शरबत। सब्जी मंडी में कपड़ा विक्रेताओं ने आज इमाम हुसैन की याद में शरबत का लंगर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैयद नाजिम अली ने बताया कि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से साल का पहला दिन और मुहर्रम के दिनों में हसन हुसैन की शहादत को याद करके उनके बताए रास्ते पर चलने की तौफीक अल्लाह ताला हमें दे। इमाम हुसैनों ने हक और ईमान के लिए अपनी कुर्बानी दी, हम उनकी कुर्बानी को जाया नहीं जाने देंगे। इस अवसर पर आमिर मियां ने कहा कि मुहर्रम के 10 दिनों में रोजाना लंगर, फातिहा और जिक्र शहादतें पढ़ी जाती हैं। आज पहले दिन सब्जी मंडी में शरबत का लंगर कर इमाम हुसैनों को याद किया जा रहा है। इस अवसर पर मुस्तजाब अली, मिराज अख्तर, इकबार खान, मुनव्वर चौधरी, शोभी खान, सादिक, योगेश और अनेक कपड़ा व्यापारी उपस्थित रहे। जी मेरा नाम सैयद नाजिम अली है। आज क्या कार्यक्रम? आज ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं कि आज मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से ये पहला और अव्वल महीना कहलाता है, जिसे हम कहते हैं कि रमज़ान के बाद का सबसे बेहतर महीना और महत्वपूर्ण महीना होता है ये। इस मुहर्रम के महीने का जो मैसेज है वो यही है कि इंसानियत का पैगाम आगे पहुँचाना। क्योंकि इस महीने में ख़ास तौर से जो हमारे इमाम हुसैन जो करबला के मंजर में शहीद हुए हैं, जिन्होंने शहादत दी अपनी और एक पैगाम दिया है पूरी दुनिया को कि हम लोग अपने इंसानियत को बचाने के लिए, एक तरीके से अपने दीन को बचाने के लिए उन्होंने ये पैगाम दिया था। और उसी के मुहर्रम के महीने में हम लोग इस प्रोग्राम को आगे, इस महीने को आगे बढ़ाते हैं, इसको फॉलो करते हैं, इसके जितने भी शरीयतन हुकूक हैं उनको फॉलो करते हैं। इसमें आशुरे का दिन होता है जिसमें हम लोग रोज़े रखते हैं, न्याज नज़र करते हैं, लंगर करवाते हैं, शरबत का इंतज़ाम करते हैं। और खुसूसन जो लोग इसमें तख्त आज़ीम उठाते हैं और नाच गाना करते हैं, इन चीज़ों को सख्त तौर पर मना करा गया है इस्लाम में, जो कि नहीं होना चाहिए। 16 अगस्त को मिलेगी अटल बिहारी वाजपेयी सेतु की सौगात। चौपला पुल का नाम होगा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पुल। 16 अगस्त को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। राजेश अग्रवाल ने केशव प्रसाद मौर्य से फोन पर बात करके तय कराया कार्यक्रम। पुल के खंभों पर दर्शाई जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी। बरेली में बरसों से इंतजार के बाद भी शहर को चौपला पर लगने वाले जाम से निजात मिलने जा रहा है। चौपला पर नया वाई शेप पुल बनकर तैयार हो गया है। 16 अगस्त को इसे शहर की जनता को सौंप दिया जाएगा। पुल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व कैंट विधायक राजेश अग्रवाल ने शहर के लोगों की मांग पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से बात करके उद्घाटन के लिए 16 अगस्त का दिन तय कराया है। बरेली की जनता बरसों से चौपला और सैटेलाइट चौराहों पर जाम से जूझ रही थी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद कैंट विधायक तथा तत्कालीन वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने सैटेलाइट पुल, चौपला चौराहे पर वाई शेप पुल के साथ ही नकटिया नदी पर चार पुलों का प्रस्ताव बनाकर उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण विभाग के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भेजा। उप मुख्यमंत्री ने जनहित के इस मुद्दे पर रुचि लेते हुए सभी पुलों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
ओवरब्रिज और पुलों के प्रस्ताव पास होने के तुरंत बाद वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पास किया और सेतु निगम के अधिकारियों के साथ बैठक करके ओवरब्रिज समय पर तैयार करने के आदेश दिए। पुल के निर्माण में आ रही बाधाएं दूर कराई। उप मुख्यमंत्री भी इसकी समीक्षा करते रहे। अब चौपला पर नया फ्लाईओवर बनकर तैयार है, इसे शहर की जनता को सौंपने की तैयारी है। सेटेलाइट पुल और नकटिया नदी के पुल पहले से ही चालू हो चुके हैं। शहर के लोगों ने भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल से मिलकर एवं मांग की कि चौपला पुल का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सेतु रखा जाए। यह पुल दिल्ली, लखनऊ, नैनीताल व आगरा रोड को जोड़ेगा। लोगों का सफर सुगम होगा और जाम की समस्या खत्म होने से उनका वक्त भी बचेगा। लोगों ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की थी। उनके विजन के चलते ही देश के हर कोने में सड़कों का जाल पहुंचा। चौपला पुल का नाम उनके नाम पर करना उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। खास बात यह है कि इस पुल के खंभों पर अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी चित्रों के माध्यम से दर्शाई जाएगी। फोन पर बात करके तय कराया कार्यक्रम राजेश अग्रवाल ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से बात करके पुल के उद्घाटन के कार्यक्रम को तय कराया। उन्होंने उप मुख्यमंत्री को बताया कि बरेली के लोग पुल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेतु रखना चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने इस प्रस्ताव को तुरंत सहमति दे दी। वह 16 अगस्त को पुल का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। उन्होंने राजेश अग्रवाल से भी पुल के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित होने का अनुरोध किया है। राजेश अग्रवाल से बातचीत के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने सेतु निगम के अधिकारियों को उनसे बातचीत करने के लिए कालीवाड़ी स्थित आवास पर भेजा है। बैठक में यह तय किया गया है कि पुल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेतु रखा जाएगा। राजेश अग्रवाल से बातचीत के बाद सेतु निगम के अधिकारियों ने उद्घाटन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चौपला पुल कर तैयार हो गया है। मुझे इस बात की खुशी है कि शहर के लोगों ने इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेतु रखने की मांग की है। लोगों की मांग पर मैंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत की और उनको जन भावनाओं से अवगत कराया। उप मुख्यमंत्री ने पुल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेतु रखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सेतु निगम के अधिकारी पुल के उद्घाटन की तैयारियों में जुट गए हैं। 16 अगस्त को शहर के लोगों को बरसों पुराने जाम से निजात मिल जाएगी। मेरी तरफ से जनता को ढेर सारी बधाई, उप मुख्यमंत्री का धन्यवाद कि उन्होंने इन लोगों की मांग को सहर्ष स्वीकार किया। शनिवार को लॉकडाउन खत्म होने से बरेली के व्यापारियों में खुशी की लहर। अब सिर्फ रविवार को ही लॉकडाउन रहेगा। सोमवार से शनिवार तक सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक सारी पाबंदियां समाप्त। बरेली में शनिवार की बबजरबंदी खत्म होने से बरेली व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस संबंध में व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी और राजेश गुप्ता, रामकृष्ण शुक्ला खुशी का इजहार किया है। बताते चलें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जारी किए आदेश के अनुसार अब प्रदेश में सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक की सभी पाबंदियां समाप्त कर दी गई हैं। हालांकि इस दौरान सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उन्होंने कहा है कि कोरोना की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अब शनिवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार अब प्रदेश में सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक की सभी पाबंदियां समाप्त कर दी गई हैं। हालांकि इस दौरान सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। आदेश में कहा गया है कि मास्क पहनना व 2 गज की दूरी का पालन करने से पहले की तरह ही जरूरी होगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक दशा में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाए। कहीं भी अनावश्यक भीड़भाड़ ना हो, पुलिस पेट्रोलिंग सतत जारी रहे।